बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, विच इज आल्सो नोन एज एसी थ्रू इंडक्टर। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं सेकेंड ईयर की बुक में एसी सर्किट्स में, उसमें एसी थ्रू रेजिस्टर है, एसी थ्रू कैपेसिटर है। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू इंडक्टर। वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू इंडक्टर। Now question is what is inductor? All of us know what is inductor. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले chapters में कि एक wire है जिसे wound किया गया है और वो inductor की form में है, coil की form में जब उसे ले आते हैं वो एक inductor बन जाता है। तो आज हम लोग discuss करेंगे कि जब alternating current से किसी inductor को energize किया जाता है तो inductor किस तरह से behave करता है। Let's suppose आप इस circuit diagram में देख सकते हैं कि हमने ये एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है एल, इसके अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाया और वो जो करंट जनरेट कर रहा है एसी सोर्स, दैट इज गिवन बाय आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे पिछले चैप्टर में आप लोग एसी जनरेटर पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि ये करंट कितना जनरेट करेगा, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब I नॉट पीक करंट है, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर जो घूम रहा है, T इज द टाइम। अब जब बेटा हमें पता है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये, इसकी अगर हम वेव फॉर्म बनाएं अल्टरनेटिंग करंट की टाइम और करंट के अगेंस्ट, तो ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जिसे हम क्या कहते हैं, आई नॉट कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि इसमें करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। इट मींस करंट इज बीइंग कंटिन्यूसली चेंज्ड, लगातार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर बेटा करंट चेंज हो रहा है तो इस इंडक्टर में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर आपने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड पढ़ा है, दैट इज गिवन बाय बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। जब आई की वैल्यू चेंज होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉयल के अंदर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेल्फ इंड्यूस वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, दैट इज गिवन बाय एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्शन आपने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ी। तो बेटा जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किसकी इक्वल है, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। मीन मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो इसमें जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे देयर विल बी अ कांस्टेंट, जो जो जिसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, जिसे एल से शो किया है, और ये किसकी वैल्यू है, ये इंडक्टेंस की वैल्यू है, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर की वैल्यू है। अब हमें पता है कि ये जो बैक ईएमएफ यहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जो शो करेगा कि ये अप्लाइड वोल्टेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वोल्टेज पैदा हुआ। तो ये जो बैक ईएमएफ पैदा हुई इसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो भी किसकी इक्वल होगा, ई एल की इक्वल होगा, और वो किसकी इक्वल है, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की इक्वल है। तो बेटा तो हमें पता चला कि अप्लाइड करंट क्या था, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अप्लाइड वोल्टेज किसकी इक्वल है, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के इक्वल है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब बेटा अगर हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं और हम इन्हें देखें और इसे हम गौर करना चाहें इस पे, तो हम इसे देखेंगे हमारे पास वैल्यू आई, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा, I is equal to I naught sin omega t, और जो दूसरी वैल्यू मेरे पास वोल्टेज की आई वो किसकी इक्वल थी, L डेल्टा I ओवर डेल्टा t की इक्वल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, जिस यहाँ पे प्रॉब्लम होता है।
आज ये वीडियो फरमाइशी वीडियो है, मुझे किसी रिस्पेक्टेड टीचर ने बोला कि सर इसमें कोई इशू है हमें पढ़ाने में, तो इस पे वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेटा। अदरवाइज हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो वाला चैप्टर कर रहे थे। अब अगर हम लोग बेटा करें, देखें करंट और टेम्परेचर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, करंट अगेंस्ट टेम्परेचर, सॉरी टाइम नॉट टेम्परेचर, तो करंट को अगर मैं टाइम के अगेंस्ट ड्रॉ करूं तो इसकी कुछ वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, इसका वोल्टेज वेव फॉर्म, साइनोसाइडल वेव फॉर्म हमने इससे पहले भी पढ़ी, इसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसी वेव फॉर्म बनेगी। अब ये आय है और ये टी है, टाइम है। अब अगर आप स्लोप ऑफ अ ग्राफ की बात करें, जिसे आप कहते हैं स्लोप, स्लोप को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये क्या होगी बेटा, ये स्लोप होगी y x ग्राफ की, किसकी, y x ग्राफ की। इस तरह बेटा अगर मैं डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को देखूं, तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी क्या होगा, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, क्या होगी, करंट टाइम ग्राफ की स्लोप होगी। बिल्कुल इस तरह जैसे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किस क्या थी, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी क्या होगा, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। अब हमें पता है, हमें पता चल गया कि अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ आई टी ग्राफ, ये आई टी ग्राफ की स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे बेटा इसे मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी ये लेक्चर्स लेते हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। अदरवाइज मैं इसे डी आई ओवर डी टी भी लिख सकता हूँ, और करंट का डेरिवेटिव लिख सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कोसाइनोसाइडल की फॉर्म में चला जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो जहां पे आई टी ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होगा, और जहां पे आई टी ग्राफ की स्लोप कम होगी वहां पे वोल्टेज भी कम होगा। अब अगर हम इस पे गौर करें स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ पे, तो मेरे पास आई टी ग्राफ जो है वो कुछ ये है, या टेम्परेचर, करंट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। बेटा हमें पता है कि स्लोप फाइंड आउट की जा सकती है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वाई टू माइनस वाई एक्स, वाई टू माइनस वाई वन फॉर स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, वो एक कर्व हो, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व है, तो फिर हम इसकी स्लोप जिस पॉइंट पे लेनी है तो वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट जो x एंगल बनाता है विद x एक्सिस, इसका आप टेन थीटा ले लेते हैं, और वो किसकी वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी। अब अगर क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसकी स्लोप हर पॉइंट पे वेरी कर रही है, स्ट्रेट लाइन होता तो सेम रहती हर पॉइंट पे। अब इसकी स्लोप इस फार्मूले से मालूम की जाएगी, हम देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे स्लोप लेनी है, ये करंट को शो कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने स्लोप लेनी है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे स्लोप लेनी है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे स्लोप लूंगा तो यहाँ पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप लूंगा यहाँ पे टेंजेंट, इस तरह यहाँ पे अगेन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब देखते हैं कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ रहा है तो ये जो एंगल है विद एक्स एक्सिस जो टेंजेंट बना रहा है ग्राफ के उस पॉइंट पे जहाँ पे आप स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है ये एंगल कम होता जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एंगल जीरो हो गया है, ये यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, इसका मतलब है जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो टेन 90 डिग्री बेटा इन्फिनिटी होता है और टेन जीरो डिग्री जीरो होता है, तो इसका मतलब है आप एंगल ज्यादा से कम एंगल की तरफ जाएं तो स्लोप कम होती जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल सबसे ज्यादा था, ऊपर जा रहे हैं तो एंगल कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, या जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है, स्लोप भी कम होती जा रही है, यहाँ पे जाके एंगल जीरो हो गया, स्लोप भी जीरो, टेन जीरो जीरो। यहाँ पे अगेन जब आप वापस आएंगे तो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगेन एंगल मैक्सिमम होगा, स्लोप मैक्सिमम होगी बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से टेंजेंट पैरेलल हो गया है एक्स एक्सिस के,
एंगल जीरो, स्लोप भी जीरो, अगेन यहाँ पे एंगल मैक्सिमम, स्लोप भी मैक्सिमम। और अगर हम करंट के लिए ग्राफ ड्रा करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो बेटा इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने देखा तो बेटा हमारे पास करंट क्या था, I equals I naught sin omega t, और V क्या था, L delta I over delta t। तो हमने देखा कि जहां पे डेल्टा आई और डेल्टा टी की स्लोप मैक्सिमम, वहां पे वोल्टेज भी मैक्सिमम है। अब बेटा ये जो ग्राफ आपको शो नजर आ रहा है, यहाँ जहाँ पे मेरा पॉइंटर जा रहा है, ये करंट का ग्राफ है, ये इन्होंने यहाँ पे करंट लिखा। अब देखें जहां पर इस ग्राफ की स्लोप मैक्सिमम मैक्सिमम, वहां पे स्लोप भी मैक्सिमम, वहां पे स्लोप मैक्सिमम और वहां पे वोल्टेज भी मैक्सिमम। अब इस इनिशियल पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे हमने अभी देखा पिछले जो हमने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे थे कि यहाँ पे क्योंकि एंगल मैक्सिमम है लिहाजा स्लोप भी मैक्सिमम है लिहाजा वोल्टेज भी मैक्सिमम है। यहाँ पे जाकर एंगल जीरो हो गया है लिहाजा स्लोप भी जीरो हो गई और वोल्टेज भी जीरो हो गया। यहाँ पे अगेन एंगल मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे एंगल जीरो है तो स्लोप भी जीरो वोल्टेज भी जीरो हो गया। अगेन यहाँ पे एंगल मैक्सिमम हो गया स्लोप भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे एंगल जीरो हो गया टेंजेंट का विद एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस स्टैंड फॉर टाइम एक्सिस, ये टाइम है, और यहाँ पे स्लोप भी जीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे मैं फेज एंगल लिखना चाहूँ करंट का, तो करंट का फेज एंगल यहाँ पे जीरो है बेटा, पॉजिटिव पे गया तो पाई बाई टू है, जीरो पे आया तो पाई है, इसी तरह जीरो के बाद यहाँ पे आएगा तो थ्री पाई बाई टू है, और अगर यहाँ पे चले जाएंगे टू पाई है। ये नीचे में जो फेज लिख रहा हूँ फेज एंगल, ये करंट के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं वोल्टेज के लिए लिखता हूँ। अब देखें बेटा जब पॉजिटिव पीक थी तो फेज क्या है पाई बाई टू, तो जब करंट का फेज एंगल जीरो है तो उस टाइम वोल्टेज का फेज एंगल पाई बाई टू है, और पाई बाई ये पॉजिटिव पीक के पास जीरो पे आया तो यहाँ पे फेज एंगल क्या होगा पाई। तो मुझे पता चला कि जब करंट का फेज एंगल जीरो है तो वोल्टेज का पाई बाई टू, जब करंट का पाई बाई टू है तो वोल्टेज का पाए, जब करंट का पाए है तो वोल्टेज का थ्री पाई बाई टू, और जब करंट का थ्री पाई बाई टू है तो वोल्टेज का टू पाए है। इट मींस कि वोल्टेज वन क्वार्टर लीड कर रहा है करंट को। मैं कह सकता हूं वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय टू। कितने एंगल से, किसी जगह पे अभी एंगल का डिफरेंस देख लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, किसी जगह पे भी आप फेज एंगल्स का डिफरेंस देख लो तो कितना आएगा पाई बाय टू। हम क्या कहेंगे कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय द एंगल ऑफ पाई बाय टू। पाई बाय टू एंगल से वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मीन जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। ये आपने इससे पहले देखा है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विद एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर्स। तो जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम, इस तरह जब ये रोटेट करके इधर जाएगा, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और फिर इसी तरह ये रोटेट करता जाएगा, जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरह ये आगे को रोटेट करेंगे, और जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम होगा, एंड सो ऑन, फिर यही कंडीशन आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि हर पॉइंट पे किसी भी लम्हे अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय द एंगल ऑफ पाई बाय टू रेडियन या 90 डिग्री। अब देखें यहाँ पे बड़ा क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ, जैसे कि वो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ उसका क्वेश्चन क्या था, बेटा अगर आप यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो वोल्टेज पॉजिटिव पीक पे होगा, करंट जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या है कि ये जब करंट अपनी पॉजिटिव पीक पे है तो वोल्टेज जीरो पे होगा और नेगेटिव पीक की तरफ जाएगा। और अगर आप यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, किसी जगह पे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये मुख्तलिफ है ना, आप ये वाला पोर्शन ड्रॉ करें, ये करें, ये करें, ये करें, अगर आप अगर यहाँ पे देखें कि करंट जीरो है ये वाला और वोल्टेज क्या है मैक्सिमम है नेगेटिव साइड पे, ये वाली जो सिचुएशन है ये आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम है और वोल्टेज क्या है जीरो है। तो जिस दोस्त ने पूछा था वो ग्राफ यहाँ से ड्रॉ किया गया है, तो वो ये पूछ रहा था
कि नेगेटिव पीक पे क्यों है, तो बेटा पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक डिपेंड करेगी आप किस इंस्टेंट पे, किस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं और किस कौन से स्नैपशॉट जो है आप ले रहे हैं। तो बेटा ये इसका बिहेवियर है। तो हमें पता चला कि वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2, या करंट लैग बिहाइंड करता है वोल्टेज को बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2। अब अगर हम लोग देखें कि द अपोजिशन शोन बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बेटा ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। बेटा आए क्या हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी क्या था एल डेल्टा आया ओवर डेल्टा टी है ना, तो आई कैन राइट दिस एज डी आई ओवर डी टी। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा, एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे लिखूं और इसका डेरिवेटिव लूं। अब बेटा इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेता हूं मैं आई आर एम एस, जब ओमेगा टी 45 डिग्री हो तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है क्या होती है 0.707 आई नॉट। इस तरह अगर मैं इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लूं, इसमें भी एंगल ओमेगा टी कॉस एंगल ओमेगा टी 45 डिग्री होगा, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों सेम होते हैं, तो ये भी क्या होगा 0.707 एल आई नॉट ओमेगा। अब अगर ये बेटा दोनों वैल्यूज में यहाँ पे इंसर्ट करूं तो वी आर एम एस की वैल्यू आएगी 0.707 एल आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय आई आर एम एस क्या होगा 0.707 आई नॉट। अब बेटा 0.707 से कैंसिल, आई नॉट से कैंसिल, तो मेरे पास बेटा एक्स एल की वैल्यू आई ओमेगा एल, और इसे सिंपली मैं लिख सकता हूँ बेटा XL is given by omega L, या omega को क्या लिख सकता हूँ 2 pi f L, और बेटा इसका यूनिट होगा ओम। तो दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम बात करें पावर डेसिपेशन की, तो बेटा पावर डेसिपेशन होता है V dot I, इसमें लिख सकता हूँ V I cos theta, theta is the cos theta is the power factor। हमें पता है कि बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंगल इज 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट। अभी आपने देखा था अगर इंडक्टर की बात करूं, इफ एंगल इज 90 कॉस 90 इज 0, तो देयर विल बी नो पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। लेकिन होता असल में क्या है, इंडक्टर एक वायर से मिलकर बना, वायर को आपने बाउंड किया है, तो इंडक्टर होने के साथ साथ रेजिस्टर भी तो है, ज्यादा कुछ ना कुछ इसमें पावर डिसिपेशन लाजमी होगी। अब हम देखते हैं इसे एक और वे में समझने की कोशिश करते हैं कि पावर डिसिपेशन यहाँ पे जीरो क्यों है। अब अगर देखें तो पावर क्या है, इन नटशेल हम पावर को वी आई लिखते हैं, कॉस थीटा की फॉर्म में लिखें, थीटा विल बी 90 कॉस 90 जीरो, लेकिन सिंपल वी आई लिखें जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। देखें बेटा ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें वोल्टेज भी पॉजिटिव है करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर इधर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वार्टर में पावर पॉजिटिव है। सेकेंड क्वार्टर में करंट तो पॉजिटिव है बट वोल्टेज नेगेटिव है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव होगी, वी और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो। थर्ड क्वार्टर में देखें ये आपका वोल्टेज भी नेगेटिव है करंट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे पावर डेसिपेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। फोर्थ में चले जाएं, इसमें वोल्टेज तो पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे पावर डेसिपेशन नेगेटिव है। इसका मतलब है कि एक क्वार्टर में पावर स्टोर हुई तो दूसरे क्वार्टर में रिलीज हो गई, ये स्टोर हो रही है रिलीज हो रही है फिर स्टोर हो रही है फिर रिलीज हो रही है, तो ओवर द होल साइकिल अगर हम देखें तो देयर विल बी नो पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर। बेटा ये है आज का लेक्चर, इसे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप बार बार देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं आप बच्चों के लिए अच्छा और जो है वो आपके कोर्स के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज है मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।